अभी हमारे मुख्यमंत्री जी मांदिल पंचायत में आने वाले हैं और देखिए यहाँ जोरों तोर से प्रशासन लगे हुए हैं स्वागत के लिए, यहाँ के ग्रामीण लोग भी लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ देखते हैं कि इन लोगों का कुछ कहना है या नहीं। आप लोग बताइए, आइए इधर इधर लाइए, आप कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ, मतलब कहना चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम सपना कुमारी, मैं किशोर समूह की शिवम समूह के सदस्य हूँ। मैं इस समूह का गठन विकास मित्र दीदी को द्वारा किया गया है। इस समूह का गठन हम लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं तीन बिंदुओं पर, शराब बंद और बाल विवाह और दहेज प्रथा। दहेज प्रथा से लड़कियों को मतलब माँ जन्म नहीं देना चाहती है, जैसे कि हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे अथी करेंगे। और बाल विवाह, जैसे में कम उम्र होने से लड़की ससुराल में जाकर संभाल नहीं पाती है, वो मतलब परिपक्व नहीं हो पाती है। और नशा मुक्त, जैसे में मानसिक आर्थिक कमजोरियां होती है, जैसे में मानसिक घर पे आके लड़ाई झगड़ा किया, और आर्थिक जैसे में उसको किडनी हो गया, कैंसर हो गया, ये सब बीमारियाँ होती है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मतलब आप कुछ बोलना चाहें, कौन कौन बिंदु पर यहाँ पे मांग करना चाहते हैं? तीन बिंदुओं पर। कौन कौन बिंदु बताइए? नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे एक मिनट साफ दिखाइए, देखिए यहाँ ये लोग की मांग देखिए क्या है, बहुत सुंदर सुंदर मांग है। तीन लोग क्या क्या मांग फिर से एक बार जरा से बोलिए। नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह। नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह, मतलब ये आप लोग जागरूक करते हैं घर घर जाके? जी, विद्यालय में भी जाते हैं हम लोग, बात करते हैं, घर में भी बैठ के बातें करते हैं, टोलों में बातें उतें करते हैं कि दहेज नहीं लेना है, मतलब नहीं देना है। शराब बंदी पर किसी को अगर देखेंगे तो समझाएंगे, घर में भी नहीं किसी को पीने देना है, लोगों को भी देखेंगे तो समझाएंगे। और दहेज पर था। अच्छा, आपके घर में नहीं कोई पीते शराब? जी नहीं। नहीं पीते आपके घर में? जी नहीं, नहीं पीते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, यही कहना है कि नहीं शराब पीने देना है, नहीं किसी को पीना है, और बाल विवाह नहीं, 18 साल की उम्र में लड़की को विवाह नहीं करना है और नहीं करना देना है। अच्छा, ये आपकी मांग है? या अच्छा, मांग नहीं मतलब ये तो मतलब आप इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, ये बोलिए है या। और कुछ कहना चाहते हैं? जी, और यहाँ पर मांगना है, जैसे में हम लोग के गांव में हाई स्कूल नहीं है, कंप्यूटर यहाँ कॉलेज भी नहीं है, फिर आईटीआई हम लोग के मांग है। अच्छा, यहाँ कहाँ में? पकड़ी में क्या क्या नहीं है पकड़ी में? क्या उससे साफ नहीं है, जैसे में हाई स्कूल है, आईटीआई का कॉलेज नहीं है, ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है, कंप्यूटर का वगैरह हमको सेंटर चाहिए, सिलाई सेंटर वगैरह चाहिए, यही सब बहुत कमी है। इस कारण से जहानाबाद में पड़ता है कॉलेज, तो दूर जाना पड़ता है, इसीलिए कोई बच्चे को अपना लड़की लोग को तो जानते हैं आप लोग, घर से नहीं निकल, इसलिए कम जा पाती है। हम लोग को घर यहाँ पे चाहिए, पैदल भी आ सके, साइकिल से भी आ सके, हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। चले, तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकल गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर जो निकल चुके हैं, ये सुंदर सुंदर इनका जो मांग है और जो इनका विचार है, इनको देखा जाए और अच्छे से समाधान किया जाए। और ये क्या और जागरूक फैला रहे हैं? जागरूकता अभियान है, ये जागरूकता अभियान है, जो इन पर कुछ और सुंदर तरीका से इन पर एक्शन लिया जाए, ताकि और बोलिए और कुछ विकास में से बात कर लीजिए उनसे। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आप क्या हैं? विकास मित्र हुई मैं। बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, हम लोग बोलिए मैडम, आप क्या हैं यहाँ पे? मैं यहाँ विकास मित्र हूँ, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी हुआ। हम लोग जो सरकार द्वारा चलाया जाता है योजना, उसको महादलित टोलों में मिलाते हैं, बोले तो एक सरकार और महादलित का जो कड़ी का काम हम लोग करते हैं, जैसे नल जल हो गया, समुदाय भवन हो गया, या तो फिर पेंशन योजना हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, फिर क्या बोलते हैं, महादलित विकास मिशन द्वारा एक परिवहन योजना हमारा है, ये सारी योजनाओं का हम लोग मतलब सरकार के द्वारा पहुँचाते हैं। और इस का खर्च रखने का कारण है कि हम लोग इस सारी योजनाओं को ना पोर्टल 2 पर रजिस्टर करते हैं, जो कि हम लोग का स्क्रीन पे है, समझे, उस सारी योजनाओं को पोर्टल 2 पर हम लोग करते हैं। और हम लोगों का कहना यही है कि सरकार हम लोग पे विशेष रूप से ध्यान दे हाँ, विकास मित्रों पर, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में देखिए, इस बार जो COVID-19 था उसमें हम लोग बहुत अच्छा तरह से हाथ से मतलब साहब लोग थे, उन लोगों के साथ हम लोग मिल करके कार्य किए हैं, समझे, हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके, ठीक है, बीच में हम लोग
साबुन वितरण है, सैनिटाइजर है, मास्क है, वो सब की हम लोग कार्य किए हैं। वोटर लिस्ट के जोड़ने का भी कार्य हम लोग करते हैं। अच्छा। मिला जुला कर बोला जाए तो जितनी भी सरकार की योजना आती है वो सारा हम लोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ मांग क्या है, आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? सर से यही उम्मीद रखते हैं कि सर हम लोग पे विशेष ध्यान रखें, ताकि उनके नज़र में ये रहे कि हम लोगों को बोले कि आप लोग मानस पुत्र पुत्री हो, और इस मानस पुत्र पुत्री पर उनका विशेष ध्यान रहे, आग्रह यही करती हूँ मैं। ये लोग कोरोना काल में, मतलब कि वो संकट के घड़ी था, तो ये लोग दलित जहाँ नहीं जा पाते, क्या दलित को जहाँ पर आदमी समझा नहीं सकता था, जहाँ छूने से भी डरता था, वहाँ हम लोग बातचीत किए और उसको टीकाकरण भी करवाए हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को टच में नहीं आते थे, उस जगह हम लोग मोटिवेट किए हैं। और आज हम लोग देश से संकट, मतलब ये कोरोना का ख़त्म कर दिया हम लोग मिलके, तो इनके भी थोड़ा सा हमारे मुख्यमंत्री से ये आग्रह है हमारे तरफ से कि इनके भी मांगे को अच्छी तरह से सुना जाए और ध्यान दिया जाए, और उम्मीद करते हैं कि ये समाधान यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी आपका जो बात रख पाएंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं फिर, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या बोलना चाहते हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं शिव गुरु समूह के सदस्य हूँ। विकास मिंत्रा दीदी के द्वारा इस समूह का गठन किया गया है। हम लोग उनके द्वारा घर घर जाके तीन बिंदुओं पर लोगों के जागरूकता करते हैं। पहला बिंदु शराबबंदी, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा बाल विवाह। शराबबंदी में कि शराब पीने से लोगों को बहुत तरह की तकलीफ होती है, बीमारियाँ होती है। इसमें तीन विशेष बात है, पहला आर्थिक हानि, फिर शारीरिक हानि, फिर मानसिक हानि। आर्थिक में है कि गरीब आदमी जब 500 इसमें कम पैसा कमाता है, उसमें से कुछ रुपये पी ही जाता है, तो बाल बच्चों का क्या पढ़ाएगा? और वही पैसा पीने का जब बाल बच्चों के पढ़ाने में लगाएगा, तो कुछ उसको बेटी आगे अपने पैर पर पढ़ लिख के खड़ा हो सकती है। और शारीरिक हानि में जब शराब कोई व्यक्ति पिएगा, तब उसको तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं शरीर में, और उसके लिए पैसा भी चाहिए उसके ज़्यादा, जिसमें किडनी फेल हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसका मतलब कोई इलाज नहीं है, इलाज होगा भी तो ज़्यादा पैसा लगेगा, गरीब आदमी उतना कहाँ से लाएगा, पीने वक्त तो सोचता नहीं है। और आर्थिक मानसिक हानि, जब शराब पीता है तो लोग दिमाग पर असर पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है जब जो पीता है उसका भी, और शराब पीकर घर में आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं उसको दिमाग में सब घड़ी वही गूंजता रहता है कि उसको पिता आज ये किया है, वो किया है। और दूसरा दहेज बाल विवाह, जब 18 साल के नीचे किसी लड़की के शादी हो जाता है तो उसे बाल विवाह कहते हैं, लड़का को 21 साल के नीचे होता है तो बाल विवाह कहते हैं। और 18 साल के नीचे शादी लड़की को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की परिपक्व नहीं हो पाती है, दिमाग से सक्षम नहीं, जब खुद को नहीं संभाल सकती तो दूसरे परिवार को क्या संभालेगी, जब ससुराल जाएगी तो उसको परिवार दोगुना हो जाएगा तो क्या संभाल पाएगी, और कम उम्र में ही माँ बन जाएगी तो उसको तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती है, मृत्यु भी हो जाएगी। दहेज प्रथा, दहेज लेना नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दहेज एक हमारे समाज के लिए अभिशाप है, दहेज के कारण कितने माँ बाप अपने बच्चों को भ्रूण हत्या कर देते हैं, जन्म लेने से ही पहले ही मार देते हैं, कि आज जब बेटी होगा पता चलता है कि बेटी है तो बेटी है, उसको पढ़ाने में पैसा खर्चा होता है, और पढ़ाए लिखाएंगे तो कल होकर दूसरा के यहाँ चल जाएगी तो हमको क्या काम आएगी, इसीलिए दहेज लेना बंद दे और देना बंद करवा दें। तो निवेदन है कि लेना देना बंद करवा दें, कि तो लड़की कुछ माँ बाप वही दहेज देते हैं जो पैसा देकर अपने बाल बच्चों को पढ़ा सके, वही पैसे से अपने बच्चों पैर पर खड़े हो सकते हैं, तो कल होकर किसी लड़के के यहाँ हाथ या नहीं जोड़ना पड़ेगा। यही मंत्री जी से निवेदन है, और हमारे मंत्री जी से यह मांग है कि हमारे गाँव में मतलब हाई स्कूल नहीं है, और कुछ कंप्यूटर इसम लैब इसम का ट्रेनिंग नहीं है, सिलाई मशीन इस सब का ट्रेनिंग नहीं है, हाई स्कूल जाने के लिए बहुत दूर हम लोग के जाना पड़ता है, लड़की की आज मध्य गांव का आदमी है कि अपने अपने बेटियों के तो घर से नहीं निकलने देते हैं, तो पढ़ने दूर पढ़ने दे कैसे जाने दे सकते हैं, लड़कियां साइकिल चलाती है तो बोलते हैं माँ बाप की गिर पड़ जाएगी तो कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग जमगामा कहाँ हैं, जमगामा में हाई स्कूल और लैब इसम का ट्रेनिंग दिवाए, सिलाई मशीन इसम का, इसलिए हम लोग आसानी से पढ़ सके और आगे अपने पैर पर खड़ी हो सके, यही मंत्री जी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आप लोग का। और यहाँ देखिए, अगर बिहार के हर घर में इन जैसे अगर बेटी पैदा होती है तो हमारे बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सुंदर विचार रखा है आप लोगों ने, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस समाधान यात्रा में आप लोग का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। जय हिंद।